हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय अंजू। तो आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे को हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। सब्जियाँ जो है वो सारी ख़त्म हो गई है और अभी चिल्ड्रंस डे भी आ रहा है, तो मुझे ट्यूशन के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं ताकि मैं उनको गिफ्ट दे सकूँ। तो चलिए मेरे साथ आप मार्केट और देखिए हमारे गाँव का मार्केट कैसा होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं तैयार हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। वही हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे स्कूटी को कुछ ठीक करते हुए हस्बैंड जी। और देखिए हमारे जो घर के बाहर का जो नज़ारा होता है वो कितना प्यारा और कितना सुंदर होता है। ये मॉर्निंग का टाइम है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है और यहाँ पे जो है पूरी तरफ आपको सिर्फ हरियाली ही दिखेगी। मार्केट में जाते वक्त भी आपको सिर्फ पेड़ पौधे समुंदर यही सब दिखता है। और हमारे यहाँ पे जो है नारियल का पेड़, वो बहुत सारे नारियल के पेड़ और सुपारी के पेड़ है। तो पर फिर भी यहाँ पे जो है नारियल जो है वो सस्ता नहीं है, आपको 50 रुपये का एक नारियल पानी मिलता है। और ये जो है समुद्र का नज़ारा, सामने जो है वो प्लांट है, स्टील प्लांट। तो यहाँ से जो है वो मार्केट शुरू हो जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घर है वो गांव में जैसे घर होते हैं छत वाले घर, वैसे घर है। और रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है नारियल का पेड़, सुपारी का पेड़। तो आप एंजॉय करें मार्केट का दृश्य। ये जो है वो आदिवासी औरतें होती है जो सुबह सुबह जो है ताज़ी सब्जियां तोड़ के मार्केट में लाती हैं। और इनके पास जो है थोड़ी थोड़ी सब्जियां ही होती है पर वो काफ़ी फ्रेश होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीफी वेजिटेबल्स है, यहाँ पे कंदमूल। और यहाँ पे मैं एक मौसी के पास से है सब्जी के केले ले रही हूँ। उन्होंने मुझे 50 रुपये के 12 केले दिए थे तो वही मैं ले रही हूँ। और मैंने कहा था कि मुझे स्टेशनरी में जाना है तो वही मैं बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स देख रही हूँ। अभी जो है मैं मार्केट से आ गई हूँ और थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी ताज़ी सब्जियाँ लाई है। और ये सब्जियाँ जो है मैं वो मावशी लोग लेके बैठती हैं ना, गाँव की जो औरतें, उनके पास से लेती हूँ। उनका जो सब्जियाँ होता है वो काफ़ी फ्रेश होता है क्योंकि वो सुबह ही तोड़ के लाते हैं और दोपहर तक जो है उनका ख़त्म भी हो जाता है। तो अभी मैं बताती हूँ। और अभी देखिए अभी जो है ठंडी का मौसम जो है शुरू हो गया है, तो आपको जो ये लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, पालक भाजी, वो काफ़ी सारा मिल रहा है। अभी तो है जस्ट वो लोग खेत से उखाड़ रहे हैं तो छोटी छोटी है। लाल माठ यहाँ पर मैंने लाए हैं, ये देखिए ये मूली का भाजी, ये है आपका छोटे छोटे पालक, एकदम छोटे छोटे ताज़े हैं जो दाल में डाल के अच्छा लगेगा। ये फ्लावर है, आप देख सकते हैं केला, सब्जी वाला जो केला है, ये आपका इलायची केला, दो नारियल 25 रुपये का। ये जो दूधी देखिए कितनी ताज़ी ताज़ी, एकदम छोटी छोटी दूधी है, इसका जो हम रायता बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मुझे दिया है 25 का 3। मिर्ची एकदम ताज़ी और आप देख सकते हैं फूल, ये फूल जो है मुझे 10 रुपये का उन्होंने 7 ऐसा बंडल दिया है। तो कितने सारे फूल है भगवान को चढ़ाने के लिए। अभी जो है मार्केट में फूल भी जो है वो बहुत आए हैं रंग बिरंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं गई, मैंने कहा था कि मैं स्टेशनरी से मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदा है। चिल्ड्रंस डे आ रहा है, चिल्ड्रंस डे है 14th of November को, तो इसके लिए बच्चों को देने के लिए ये पेंसिल्स के सेट, ये पेन, ये जो है वाइट बोर्ड मार्कर का इंक मुझे ऑनलाइन क्लास में लगता है। फिर मैंने अपने लड़के के लिए 2 बॉल खरीदा है, ये भगवान के लिए 2 माला खरीदी है मैंने, राम भगवान जो मेरे मंदिर में हैं उनके लिए माला खरीदी है। तो आप देख सकते हैं
और यहाँ पे जो है मैंने आज फ्रेश पुदीना भी खरीदा है उसके साथ, ये पानी पूरी का है, तो आज सोचा, आज मैंने सोचा है कि शाम को पानी पूरी बनाऊंगी। अब देखिए कि वो प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं, मुझे टाइम मिलता है कि नहीं। और यहाँ पे मेरा ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद मैं पानी पूरी की तैयारी में लग गई हूँ। मैंने आने को बहुत मनाया कि नहीं मैं आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, मैं काफ़ी थक गई हूँ, पर वो आपको पता है कि बच्चे जो है वो मानते नहीं, और उनको ऐसी चटर पटर की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पसंद आती है। तो वहीं पे मैं जो पुदीना लाई हूँ वो साफ़ करके, यहाँ पे जो मैं पानी पूरी वो आलू और चने का बनाती हूँ, तो वही आलू जो है वो साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने पुदीने का पानी जो है वो छान के रखा है। यहाँ पे जो मेरा मीठा पानी है वो बन रहा है, साथ में दूध है वो उसको भी मैं उबाल रही हूँ, और फाइनली जो है मेरा पानी पूरी बन गया है, आप देख सकते हो। चलो आ जाओ ये आप लोग भी खाने के लिए। पानी पूरी वो काफ़ी टेस्टी बना था पानी पूरी, और यहाँ पर जो है अनाई से रुका नहीं जा रहा था, तो वो पहले मुझे खिला रहा था, उसके बाद है वो खुद खाने बैठ गया। और एक बार पानी पूरी बनने के बाद किसी से इंतज़ार नहीं होता है, तो इसके बाद का रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।